10 अगस्त 2023 सोयूज 2.1B जैसे पावरफुल रॉकेट की मदद से रशियन स्पेस एजेंसी रॉस कॉस्मोस ने मून के साउथ पोल की ओर अपने लूना 25 लैंडर को लॉन्च किया। जिसका टारगेट था भारतीय चंद्रयान 3 से पहले 21 अगस्त को मून के साउथ पोल पर बोगुस्लावस्की क्रेटर में सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करना और फिर वहां पूरे एक साल तक मून सॉइल पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। अब मिशन में कोई परेशानी नहीं थी, पर सवाल था मिशन की टाइमिंग पर, क्योंकि रशिया चाहता तो इस मिशन को 1 से 2 दिन डिले कर सकता था। पहले ही ये मिशन 10 से 15 साल तक डिले हो चुका था, पर व्लादिमीर पुतिन के इंस्ट्रक्शन पर इसे जानबूझकर जल्दी से जल्दी लॉन्च किया गया ताकि चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर पहुंचने के इस रेस में हराया जा सके। और रूस इसमें कामयाब होने ही वाला था, क्योंकि 10 अगस्त को लॉन्चिंग के बाद 16 अगस्त तक लूना 25 ऑर्बिट में पहुंच चुका था और 19 अगस्त को इसने लैंडिंग के लिए डी बूस्टिंग भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अचानक इसका कम्युनिकेशन मिस्टीरियस तरीके से रशियन स्पेस एजेंसी से टूट गया और बाद में खबर आई कि लूना 25 मून की सरफेस पर कहीं क्रैश हो गया है। अब कई जगह पर दावा किया गया कि इस क्रैश में इंडिया का हाथ है, तो कई जगह इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हाथ बताया गया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। पर आखिर लूना 25 के मिस्टीरियस क्रैश की असली टेक्निकल डिटेल्स क्या है और आखिर इस मिशन के फेलियर से रशिया के साथ साथ पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को क्या नुकसान हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, 9 अगस्त 1976 में सोवियत यूनियन यानी कि आज के रशिया ने अपने एक सक्सेसफुल मून प्रोग्राम का 24th मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था लूना 24, जिसमें चंद्रमा की सतह पर एक रोबोटिक प्रोब को भेजा गया था। इस मिशन की ड्यूरेशन 13 दिन की थी, जिसमें इसे मून की सतह पर जाकर मून सॉइल को कलेक्ट करके उसे वापस पृथ्वी पर लाना था। अब सोवियत यूनियन अपने इस मिशन को करने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, जिसमें इन्होंने 170 ग्राम मून सॉइल को चांद से पृथ्वी पर वापस रिटर्न किया था। पर अनफॉर्चुनेटली इसके बाद से ही सोवियत यूनियन की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी तेजी से बिगड़ती गई, जिसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही कोल्ड वॉर एंड कैपिटलिज्म की लड़ाई थी। एंड ऑफ कोर्स अंत में जीत अमेरिका की ही हुई और फाइनली 26 दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गया, जिसमें से एक नए और ताकतवर देश का जन्म हुआ, जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, जो सोवियत यूनियन के बिखरने के बावजूद पृथ्वी का सबसे बड़ा एरिया वाला देश है, जिसके पास आज भी पृथ्वी के टोटल लैंड मास में से 11% जमीन है, जो ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के टोटल सरफेस के बराबर है। अब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इनके थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्पेस एजेंसी की बागडोर भी रशिया के पास आ गई। इन शॉर्ट, ड्यूरिंग 2000s रूस के पास सोवियत यूनियन के सबसे पावरफुल रॉकेट एंड स्पेस मिशंस का वैल्यूएबल डेटा अवेलेबल था, जिसका उन्होंने आज तक प्रयोग भी किया है। अब सोवियत यूनियन की तरह ही रूस को भी आज तक एक स्पेस सुपर पावर की तरह ही जाना जाता है। पर साल 2000 के दौरान ही रशियंस ने चांद पर जाने का एक और मिशन शुरू किया, जिसका शुरुआती नाम रखा गया लूना ग्लोब लैंडर। पर उस समय फंड्स की कमी होने के चलते रशिया ने इस मिशन को करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की कोशिश की, जिसमें रशिया की सबसे पहली कोलैबोरेशन हुई जैक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ, जो कि इतनी कामयाब नहीं हुई, जिसके कारण मिशन को डिले कर दिया गया। इसके बाद रशिया ने एक नए पार्टनर की खोज की, जिसमें एक नया नाम सामने आया, जो कि था हमारा भारत। तो साल 2006 के दौरान मनमोहन सिंह की सरकार में रूस ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में इस मिशन को लॉन्च करने की बात कही, पर इस समय तक इंडिया ऑलरेडी अपने खुद के चंद्रयान प्रोग्राम पर काम शुरू कर चुका था, जिसके चलते रशिया की दाल यहां भी नहीं गली। फाइनली रशिया ने इस मिशन को खुद लॉन्च करने की सोची, जिसके लिए साल 2010 का समय रखा गया, पर यहां इस मिशन का नाम बदलते हुए लूना 25 कर दिया गया।
अब यहाँ पर रशिया इस नाम के जरिए अपने इस स्पेस प्रोग्राम को सोवियत यूनियन के लूना स्पेस प्रोग्राम से जोड़ना चाहता था, जिसमें साल 1976 के लास्ट मिशन में सोवियत यूनियन सक्सेसफुली लूनार सॉइल को अर्थ पर लाया था। साथ ही साथ ये डिसाइड किया गया कि लूना 25 में लैंडर टोटल 30 kg के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड रोबोटिक आर्म के साथ मून सरफेस पर जाएगा, जो इसे वहां सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करने और ड्रिलिंग हार्डवेयर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। पर साल 2010 में भी यह मिशन डिले कर दिया गया, क्योंकि इस समय चाइना रशिया एक और बड़े मिशन पर काम कर रहे थे जिसका नाम था फोबोस ग्रंट। तो देखो, फोबोस ग्रंट रशिया और चाइना के कोलैबोरेशन में तैयार किया गया दोनों ही कंट्रीज का एक एम्बिशियस मिशन था, जिसमें दोनों कंट्रीज का प्लान था कि वो इस मिशन के जरिए मार्स के मून फोबोस से सॉयल सैंपल वापस पृथ्वी पर लाएंगे। साथ ही इस मिशन में एक चाइनीज मार्स ऑर्बिटर भी इंक्लूड किया गया था जिसका नाम युंगुओ 1 था। अब था इसीलिए क्योंकि 9 नवंबर 2011 में लॉन्च किया गया ये मिशन अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच ही नहीं पाया और फाइनली 15 जनवरी 2013 में अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के दौरान ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो गया। इन शॉर्ट, ये मिशन रूस की स्पेस एजेंसी रॉस कॉस्मोस के लिए एक बिग फेलियर था, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग और ट्रैकिंग से रिलेटेड सारा काम रशियन स्पेस एजेंसी ही संभाल रही थी। पर इस मिशन के फेल होने के बाद रशिया को अपने लूना 25 की याद दोबारा आई और उन्होंने दोबारा से इस पर काम करना शुरू कर दिया। साल 2017 में लूना 25 के लिए स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम की असेंबली शुरू की गई। मून के साउथ पोल पर इसके लैंडिंग के लिए सेफ लोकेशन की मार्किंग की गई, साथ ही किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए दूसरी एक्स्ट्रा लैंडिंग साइट 56 किलोमीटर डायमीटर वाले पैंटलैंड क्रेटर में रखी गई, जिसके कोऑर्डिनेट 68.648 डिग्री साउथ 11.553 डिग्री ईस्ट थे। और देखो, लैंडर के मून सरफेस पर पहुंचने के बाद पूरी लाइफ ड्यूरेशन 1 अर्थ ईयर तय की गई थी। साथ ही साथ इस बार फाइनल लॉन्च डेट 2022 में रखी गई थी। पर इस बार 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई, जिसके कारण यूरोप की कई कंट्रीज ने मिलकर रशिया पर हैवी सैंक्शंस लगा दिए। ऊपर से रशिया के लूना 25 मिशन के लॉन्च में कई यूरोपीय कंपनियां भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड हेल्प करने वाली थी, पर सैंक्शंस के कारण ये सब कुछ रुक गया। अब जैसे कि ESA इस मिशन के लिए रशिया को पायलट डी नेविगेशन डेमोंस्ट्रेशन कैमरा भेजने वाली थी, सैंक्शंस के कारण ESA ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके कारण ना चाहते हुए वे इस बार दोबारा रशिया को अपने लूना 25 की लॉन्च डेट को एक बार और शिफ्ट करना पड़ा। अब यहाँ पर रशियंस ने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस यूक्रेन को वो एक दो दिन में हराने की बात सोच रहे थे, अब वही यूक्रेन इन्हें सालों तक इस वॉर में उलझाए रखेगा। और इस वॉर से रशिया की इकोनॉमी तो काफी बुरी तरह से डैमेज हुई है। ऊपर से वॉर में हजारों रशियंस या फिर शायद लाखों रशियंस की जान भी गई है, जिससे पूरे देश का मनोबल काफी टूट गया है। और अब पुतिन के पास देश के लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने का एक ही तरीका था, एक मिशन जो देश के लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सके। इसीलिए पुतिन को दोबारा से लूना 25 की याद आई और यही वो समय था जब भारत ऑलरेडी साउथ पोल के लिए अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर चुका था। पर इसके बावजूद रशिया ने जल्दबाजी में लूना 25 के ओल्ड हार्डवेयर और प्रोग्राम को इग्नोर करते हुए बिना टेस्ट किए इस मिशन को 10 अगस्त 2023 को लॉन्च कर दिया और भारत से ज्यादा बजट और सोयूज 2.1B जैसे पावरफुल रॉकेट के कारण लूना 25 अर्थ और मून के बीच के सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से होकर मून तक जाने वाला था। और इसीलिए इसकी लैंडिंग डेट भारत के चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले यानी कि 21 अगस्त की थी। नाउ इट्स अ काइंड ऑफ हर्ट ब्रेकिंग फॉर इंडिया, लेट मी टेल यू व्हाई। देखो, वैसे तो इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है और हम उसकी सक्सेस पर खुश होंगे ही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि रशिया चाहता तो इस मिशन को 1 से 2 दिन की देरी से भी लॉन्च कर सकता था, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया साउथ पोल पर लैंड करने के लिए अपना मिशन करीब 1 महीने पहले लॉन्च कर चुका था और पुतिन इस बात को अच्छे से जानते भी थे। और देखो, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन का प्लान तो यही था कि लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले मून के साउथ पोल पर उतरे और हिस्ट्री में साउथ पोल पर उतरने वाला पहली कंट्री में भारत की जगह रूस का नाम दर्ज हो जाए। अब आप ही बताइए, क्या ये बात सही है? क्या एक सच्चे दोस्त का ये करना सही था? क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई देता है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए और अपने देश की जनता के आक्रोश को कम करने के लिए भारत की दोस्ती को इग्नोर कर दिया।
वेल, जो भी हो, व्लादिमीर पुतिन के यही जल्दबाजी उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और अगर आपने गौर किया हो तो इस मिशन की शुरुआत करीब आज से 20 साल पहले हो गई थी, जहां साल 2000 के दौरान इसका डिजाइन तैयार हो गया था और साल 2008 तक तो लूना 25 के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी बन चुके थे। लेकिन अलग अलग रीजंस के कारण ये लगातार डिले होता रहा। इन शॉर्ट, इस मिशन की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक दशक पुरानी थी। ऊपर से इसके जल्दबाजी में लॉन्च करने के कारण सही टेस्ट भी नहीं हो पाया। इस सब के चलते इसके हार्डवेयर की प्रॉब्लम्स कभी सामने आई ही नहीं। इसीलिए लॉन्च के बाद जब 16 अगस्त को लूना 25 मून के ऑर्बिट में पहुंचा तो डी ऑर्बिटिंग के दौरान इनके थ्रस्टर्स एबनॉर्मल यानी कि अजीब तरीके से बिहेव करने लगे। और फाइनली 19 अगस्त 2022 को रॉस कॉस्मोस ने खुद ये डिक्लेयर किया कि वो लूना 25 के लैंडर के साथ कम्युनिकेशन और डी बूस्टिंग प्रोसेस में इमरजेंसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। पर कुछ देर बाद ही रॉस कॉस्मोस का कम्युनिकेशन लूना 25 से पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद जब प्रीलिमिनरी एनालिसिस किया गया तो शुरुआती रिजल्ट में ये पता चला कि 19 और 20 अगस्त को लूना 25 डी बूस्टिंग प्रोसेस में अपने थ्रस्टर्स को मैनेज नहीं कर पाया और जरूरत से ज्यादा स्लो हो गया, जिसके कारण लूनार ग्रेविटी उस पर हावी हो गई और वो प्लैंड ट्रेजेक्टरी से डेविएट होकर हाई वेलोसिटी पर मून सरफेस से कोलाइड करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। वेल, इस तरह लूना 25 चंद्रयान 3 से तो मून की साउथ पोल वाली रेस में हार गया, पर रशिया के इस फेलियर ने इंडियन को दोबारा से चंद्रयान 2 के फेलियर की याद दिला दी, क्योंकि लूना 25 का फेलियर भी बिल्कुल चंद्रयान 2 की तरह ही था। इसलिए हमने भी उनके दुख को समझा और कोशिश की कि हमारी तरफ से किसी भी तरह का हेट रशिया के लोगों के लिए या फिर उनकी स्पेस एजेंसी के लिए ना जाए, जिसके दो मेन रीजंस थे। पहला तो रशिया हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है और दूसरा हम उसके दुख को समझते हैं, क्योंकि हम भी साल 2019 में चंद्रयान 2 के दौरान इस फेलियर को फेस कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि रशिया से हमदर्दी का एक और बड़ा कारण यह है कि आज इसरो जो इतने बड़े बड़े कीर्तिमान कर रही है ना, उस इसरो को आइडिया से रियलिटी में बदलने में एक बड़ा हाथ है रशिया का। क्योंकि हमारी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च करने में रशिया ने ही हमारी सबसे ज्यादा मदद की थी। इसके अलावा इसरो को जब भी मदद की जरूरत पड़ती थी तब कोई दूसरा देश हमारी मदद के लिए आए ना आए, पर रशिया हमारे लिए हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन रशिया के इस फेलियर के बावजूद 23 अगस्त को शाम के 6 बजे चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर एक सक्सेसफुल लैंडिंग परफॉर्म करके हिस्ट्री क्रिएट की और भारत साउथ पोल पर लैंड करने वाली लिस्ट में पहला कंट्री बन गया। वैसे हम इस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने लैंडिंग की टेक्निकल चीजों को भी कवर किया है, तो अगर आपको भी लैंडिंग की टेक्निकल डिटेल्स को जानने में इंटरेस्ट है तो आप हमारे इस वाले वीडियो को जाकर देख सकते हो। व्हाई लूना 25 फेलियर इज ए बिग लॉस फॉर ह्यूमन काइंड। लूना 25 मून सरफेस पर करीब एक साल तक रिसर्च करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिस दौरान ये सॉयल सैंपल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी और अदर गैसेस की कंपोजिशन पर डिटेल रिसर्च कर पाता, जिसकी इस रिसर्च का काम फ्यूचर में मून के साउथ पोल को कॉलोनाइज करने में या फिर अदर प्लैनेट्स जैसे कि मार्स पर फ्यूचर में बनाए जाने वाली ह्यूमन कॉलोनी में वाटर और दूसरे रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन के लिए प्रयोग किया जा सकता था। और इस मिशन का यही मेन ऑब्जेक्टिव भी था, जो ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इसमें 30 kg के 8 रशियन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पेलोड लगाए गए थे, जैसे एड्रोन एलआर, जिसका काम मून सॉइल में मौजूद एक्टिव न्यूट्रॉन एंड गामा रेज पर डिटेल एनालिसिस करना था, एरियस एल, जिसका काम मून सरफेस में मौजूद प्लाज्मा एक्सोस्फीयर की मेजरमेंट लेना था, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एंड लाज्मा एलआर, इन दोनों लेजर के जरिए लैंडर मून सरफेस पर सॉइल कंपोजिशन पर डिटेल रिसर्च कर पाता, LISTV RPM, जिसकी मदद से मून सॉइल की इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री से डिटेल इमेजिंग की जा सकती थी, जिससे इसमें मौजूद मिनरल्स का पता लगाया जा सकता था, PML, जो कि मून सॉइल में मौजूद डस्ट एंड माइक्रोमीटियोराइट्स की मेजरमेंट करता, थर्मोएल, जो मून सरफेस में ड्रिल के जरिए थोड़ा गड्ढा करते हुए वहां पर थर्मल प्रॉपर्टीज की जांच करता, और STSL, इस डिवाइस का काम लैंडर के अराउंड मून सरफेस की डिटेल्ड इमेजिंग लेना था। अब आप सोच कर देखिए कि अगर यह मिशन सक्सेसफुल होता तो इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए मून पर होने वाली रिसर्च से ओवरऑल ह्यूमैनिटी को कितना ज्यादा फायदा होता। वैसे हमने शुरुआत में रशिया की पूरी एक स्पेस हिस्ट्री को एनालाइज किया, हमने उसमें एक बात नोटिस की कि जब से सोवियत यूनियन टूटा है ना, तब से रशिया का खुद का स्पेस प्रोग्राम कुछ खासा अच्छा नहीं कर पाया है। जहां तक कि चांद पर तो सोवियत यूनियन के बाद से रशिया ने अपने खुद की मेहनत से कोई भी सक्सेसफुल लैंडिंग की ही नहीं है।
जो कहीं ना कहीं रशिया की स्पेस में घटती हुई पावर को दिखाता है, जबकि चीन अब स्पेस रेस के मामलों में कई बार अमेरिका को भी चुनौती देने लगा है और भारत से तो चीन ऑलरेडी स्पेस प्रोग्राम में कई गुना आगे निकल चुका है। देखो, जहां पर हम अभी चांद पर अपना स्पेस प्रोब उतार कर ही खुश है, वहीं चीन ऑलरेडी मून सरफेस पर अपना स्पेस प्रोब साल 2020 में ही उतार चुका था और वहां से तो वो सॉयल सैंपल भी कलेक्ट करके पृथ्वी पर वापस ले आए थे। और इतना ही नहीं, चीन मार्स पर भी अपना रोवर उतार चुका है। वैसे चीन भारत से स्पेस प्रोग्राम में इतना आगे क्यों है, इस पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जो आप हमारे सेकंड चैनल कौशिक भट्टाचार्जी पर जाकर देख सकते हो। सो आई होप कि आपको आज के वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा और आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।